गुड इवनिंग. आज की यह हसीन शाम वुमेन्स डे के मौके पे हर उस औरत के नाम, चाहे वो घर पे मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, मेरी बीवी हो माय वाइफ, या काम पे मेरे वर्क कोलीग्स हों, डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, या आप में से वो पेशेंट्स हों लेडीज, अगर ज़िंदगी में भगवान ने, ईश्वर ने, खुदा ने खूबसूरती को बराबर किया तो औरत डाली, और तब खूबसूरती बराबर हुई और अपनी जीनत पे पहुंची. लेकिन ऐसे में कुछ चौंकाने वाली खबरें मैं बताना ज़रूरी समझूंगा. क्या आपको मालूम है कि हर साल हमारी कंट्री इंडिया में, हिंदुस्तान में 14 से 15 लाख नए कैंसर पीड़ित देखने को मिलते हैं, जिसमें से खासी तादाद, अच्छा नंबर औरतों की है. और औरतों के साथ जब ये कैंसर आता है, हालांकि वही कैंसर जो मर्द में होते हैं, चाहे वो फेफड़े का हो, लंग का हो, स्टमक का हो, या मुख का हो, जुबान का हो, औरतों में भी होता है, लेकिन औरतों के कुछ मखसूस कैंसर हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, जैसे स्तन का कैंसर. आपको मालूम है कि हमारे शहरों में जो औरतें हैं 50 साल हों या 40-45 साल से ज़्यादा हों, उनमें स्तन का कैंसर काफ़ी कॉमन है. 1000 औरतों में 22 ऐसी औरतें होंगी जो इस कैंसर से पीड़ित होंगी. ये हमारे फिगर्स, हमारे स्टैटिस्टिक्स बताते हैं. यंग एज, काम करती हुई लड़की, अभी शादी भी ना हुई हो और उसके बाद में मालूम नहीं डायग्नोज हो जाए कैंसर, और फिर उसके बाद क्या होगा? क्या मैं पूरी अपनी ज़िंदगी रह पाऊँगी? क्या मेरे रिश्तों का क्या होगा? मैं इतने पैसे कहाँ से जुटा पाऊँगी कि मैं कहूँ? उसके बाद मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, अगर मेरे शादीशुदा हों, ये सब ख्याल इस औरत के जहन पे, इसके माइंड पे इसको तंग करते हैं, और तंग करने के बाद में डिप्रेशन पैदा करते हैं. खा नहीं पाते, सो नहीं पाते, बेचैनी, एंग्जाइटी, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब मैं अपने स्तन के कैंसर को ट्रीट करवाऊंगी कि मेरे को अपना स्तन खोना पड़ेगा. हालांकि ऐसा सच नहीं है. हर स्तन के कैंसर के लिए स्तन को खोना नहीं पड़ता ऑपरेशन पे. आजकल स्तन बचाए जाते हैं. क्या आपको मालूम है 1% मतलब 100 में से 1 औरत ऐसी होती है जो वक्त पे हर 3 साल बाद जाके अपना मैमोग्राम, एक्सरे, ब्रेस्ट का जो कर रूटीनली 1500-1600 रुपये में होता है, करवाती है. ऐसा क्यों? बस ये भय और ये डर कि मेरा उसके बाद क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे खानदान का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे रिश्तों का क्या होगा. एक सवाल जो कॉमनली मुझे पूछा, मैं खाने में, पीने में मेरे से ऐसी क्या भूल चूक हो गई कि मेरे साथ ब्रेस्ट कैंसर हो गया? तो ऐसी औरतों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी माँ या आपकी मासी या आपकी नानी या कोई बहन ऐसी हो जिसको पहले से ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, तो तब आप एट रिस्क हैं. आप में ब्रेस्ट कैंसर डिवेलप करने का ज़्यादा चांस है अगर एक से ज़्यादा लेडीज़ आपके फैमिली में कैंसर पीड़ित हों. तो आपको BRCA1, BRCA2 कराना चाहिए, और आपको अपने टेस्ट, मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड कम से कम साल में एक बार कराना चाहिए. और लगे हाथ जब आप ऐसा करवा रही हों, एक सर्वाइकल कैंसर के लिए भी पैप्समेयर हो जाए, क्योंकि अगर आप पैप्समेयर नहीं कराती तो सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी का निचला वाला भाग है जिसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं, और अगर आपने इससे बचना है तो मैं आपको एक पते की बात बताऊं. जब आप छोटी हों, 13 साल की उम्र की हों, और जब आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी अभी शुरू नहीं हुई हो, अपना एक वैक्सीन क्यों ना करा डाले. आजकल मिलता है गार्डासिल के नाम से या बाकी किसी नाम से, एक वैक्सीन हो जाए. और वैक्सीन कराएंगी तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिंदा नहीं रहेगा, आपको तंग नहीं करेगा, आप में कैंसर प्रोड्यूस नहीं करेगा, आपको ये सब सोचना भी नहीं पड़ेगा. आप ख्याल रखें, डॉक्टर के पास टाइम से जाएं, खुद अपनी मेडिकेशन ना करें, क्योंकि कभी कभी जो तीसरा कैंसर औरतों में होता है, ओवरीज, अंडकोश का कैंसर, ऐसे ही आता है, हल्के से आता है, एकदम बता के नहीं आता, लेकिन ऐसे छोटी छोटी कंप्लेंट्स लेके पेट फूलने लगा, इंडाइजेशन हो रहा है, और भूख नहीं लगती, वजन घटता जा रहा है. फिर से बताता हूँ,
अंडकोश का कैंसर हमेशा देर स्टेज में ही मिलता है, क्योंकि इसके ऐसे सिम्टम्स नहीं होते जो स्टार्टलिंग होते हैं। हमेशा मेरे से पूछा जाता है, अल्कोहल का सेवन करना, अगर आप डायबिटिक हों, डायबिटिक्स शुगर की शिकार हों, अगर आप मोटी हों और अगर आप अल्कोहल शराब या किसी उसका कोई फॉर्म नोश करती हों, इन एक्सेस ऑफ 7 ड्रिंक्स, बोथ एंडोमेट्रियल यूट्रस का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर होने के ज़्यादा ही चांसेस हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें होती तो ये छोटी हैं, लेकिन जो पीड़ित होता है और जो उनकी फैमिलीज होती हैं, जो उनके दोस्त होते हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ी बातें हैं। पूछना चाहते हैं लोग, वक्त नहीं होता जब ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स के पास, हॉस्पिटल्स में इतना बिजी एटमॉस्फेयर है, वक्त ही नहीं होता इन सब चीज़ों के बारे में बात करने का। जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो ट्रीटमेंट के लिए पहले डायग्नोसिस होगा और डायग्नोसिस में एक होल बॉडी सीटी पेट स्कैन करके नया एक टेस्ट आया है जो बड़े हॉस्पिटल में है, और आज के टाइम आपके कैंसर किस स्टेज पे है सही से बताने के लिए ये सीटी पेट स्कैन करना बहुत ज़रूरी है, याद रखिए। और जब डॉक्टर से मिलें तो आपको 2 या 3 ट्रीटमेंट करने के तरीके बताए जाएंगे, या तो सर्जरी होगी, ऑपरेशन, या कीमोथेरेपी होगी जिसमें दवाइयां दी जाती हैं, या रेडिएशन होगी जिसमें एक मशीन के सामने रेज से कैंसर को ट्रीट किया जाता है। और ज़्यादातर आज इन सब कैंसर्स में तीनों का उपयोग करना पड़ता है ताकि उनके रिजल्ट्स अच्छे आएँ। और लेकिन याद रखिए, अगर कैंसर को सही से ट्रीट करना है तो इसको पूरी तरह करना होगा, तीनों चारों तरीकों से करना होगा, मिलजुल के करना होगा। जो मैं चाहता हूँ कि मेरी हर बहन पेशेंट हो, हर माँ जो मेरी पेशेंट है हो, साहस वाली हो, हंसते हंसते हो और मिलजुल के हंसते हंसते हम ट्रीटमेंट निभाए। सबसे अच्छा तरीका है ट्रीट होने का और ट्रीट करने का पॉजिटिव अप्रोच। खाट पकड़ के, हिम्मत तोड़ के, मायूस होके बैठना कोई तरीका नहीं ट्रीटमेंट कराने का। तो मेरे से ऐसे ही रूबरू होके प्रोग्राम को लाइक कीजिए, इसको फॉलो कीजिए चैनल को, और उसके बाद में कमेंट सेक्शन में मेरे से सवाल पूछिए। मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए उतना ही उत्सुक हूँ, क्योंकि मैं भी पीड़ित होता हूँ। जब मैं एक औरत शक्ति को अपने सामने झुलसते हुए और तड़पते हुए देखता हूँ।